गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए हम डोजो रूम में हैं। डोजो एक जापान का वर्ड है। डोजो का मतलब होता है ट्रेनिंग जगह, प्लेस, ट्रेनिंग प्लेस, जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अखाड़ा, हमारा पहलवानी जहां पर हमारे पुराने समय में लोग करते थे ना, वैसा ही जापान का एक वर्ड है डोजो रूम है। तो डोजो रूम का मतलब होता है आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाना, आपके स्किल्स को अपडेट करना, उसको कहते हैं डोजो रूम। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं डोजो रूम। क्लियर है? हम सभी डोजो रूम में, विक्टोरिया के डोजो रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज का मेरा मुख्य सेशन ये है, बात बताने का ये तरीका है कि हम क्या है। देखो जी, मैं सबसे पहले, मेरा नाम सुजीत कुमार गिरी है और मैं केपी रिलायबल में करीब 2.5 सालों से एसोसिएट्स। मैं प्रोजेक्ट, चार प्रोजेक्ट मेरे अंडर है। ये विक्टोरिया सिकरी का प्रोजेक्ट है जिसमें 250 करीब 100 लोग आप लोग हो यहाँ पे। दूसरा IMT 69 सेक्टर में 68 में है, उसमें करीब 50 लोग हैं। इसी विक्टोरिया का दूसरा जो तीसरा जो प्लांट है भुनीत में है, देवली पलवल में, उसमें भी 20 लोग हैं। और एक शंकर फोर्ट्स केपी रिलायबल का प्रोजेक्ट फरीदाबाद में है जिसमें करीब उसमें भी 25 लोग हैं। तो टोटल कुल मिलाकर 200 से ज्यादा लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। मैं चार प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। मेरा काम क्या है, हर प्रोजेक्ट को स्मूथ रखना और सभी को लेकर चलना। एक टीम लीडर का यही काम ही होता है। ठीक है, तो देन हमारा काम क्या है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग के द्वारा, अपने सीनियर्स के वर्क इंस्ट्रक्शन के द्वारा अपने आप की परफॉर्मेंस को लाना है। ठीक है जी, और केपी रिलायबल जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है जो बेस्ट सर्विस देना जानते हैं। आपको बता दूं कि अपने GDP पे में ना, GDP होता है घरेलू सकल उत्पाद में 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग हैं। सर्विस देने का मतलब क्या था, अव्वल किस्म का सुपर सर्विस, फाइन, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसको कहते हैं सर्विस देना। पंक्चुअलिटी विद डिसिप्लिन, आपको पता है ये जोमैटो मोमैटो वाले जो करते हैं, डिलीवर करते हैं, और भी हैं इसमें कई सारे, आसमान से गोला, आग का गोला क्यों ना बरस रहा हो, लेकिन जिसको यहाँ डिलीवर करना होता है एट ए टाइम, पंक्चुअल जाते हैं और अपने डिलीवर करते हैं, इसीलिए वो मार्केट में अवेलेबल है। तो हमारा केतरी लेवल के हम लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं। तो हमारा काम क्या है, उसी तरह का है कि हमारा सर्विस जो है, हमारा जो काम जो है, अच्छा काम हो। और आपको एक बात बताऊं कि केपी रिलायबल 2012 से मैकेनिकल लाइन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो उसमें क्या करता है कि आपका मैकेनिकल लाइन में आपका कास्टिंग का काम है, कास्टिंग का फाइनल इंस्पेक्शन करना, इन प्रोसेस करना। ठीक है जी, और उसके बाद रिसीविंग का इंस्पेक्शन करना, कास्टिंग हो गया, आपका सीट मेटल हो गया या मशीनिंग हो गया। तो ये सारा काम जो है केपी लेवल करता है। ठीक है, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और आने वाले समय में हम, हो सकता है साल भर बाद, 6 महीने के बाद, कि टॉप 10 सर्विस प्रोवाइडरों में हमारा नाम जो आ जाए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि पार्ट जो है सीधे कस्टमर के हैंड पर जाना होता है। ठीक है जी, तो हमारे ऊपर बहुत सारा बैरियर होता है। अब बैरियर ऐसा है, बीमारी ऐसा है कि हमें बैरियर इसलिए क्योंकि डिफेक्ट हमें कस्टमर को देना नहीं है, बैरियर लगा के रखना है। जो हमारे पार्ट्स में डिफेक्ट आ रहे हैं उनको हमें प्रॉपर पहचान करके, आइडेंटिफाई करके हमें कस्टमर के हैंड पर देना है। तो हम का, हमारा जो जिम्मेदारी है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये काम को करने के लिए हमारे सबसे पहले डिसिप्लिन में होना, हमें रहना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की पहचान उसकी डिसिप्लिन से ही होती है। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया था सर्विस प्रोवाइडरों की, तो डिसिप्लिन इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके जीवन में आपके डिसिप्लिन नहीं है, अच्छे हैबिट्स नहीं है, तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो। तो डिसिप्लिन में रहना, टाइम पर रहना, अपने 5 ईयर्स को मेंटेन करना, कोई भी बात हो अपने सीनियर को बताना। अगर रिसीविंग मटेरियल खराब आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, अगर 100 पीस आपने चेक किया, 10 पीस भी खराब आ रहा है, तो अपने इंचार्ज को बता दो कि भैया देख, भैया 10 पीस आ रहा है, 10% खराब रही है।
अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना, फाइल का यूज नहीं करना है। हमारा काम है पार्ट को डिफेक्ट फ्री बनाना, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है, कस्टमर के पास अच्छा माल गुड्स भेजना, ठीक है मैंने जी। इसमें हमारे फाइनल इंस्पेक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास मात्र दो ही काम होता है, एक तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है और दूसरा काम हमारा क्या होता है, गेजिंग करना होता है। अगर देखें तो गेजिंग, गेज अगर बताएं गेज के क्या होता है, तो गेज दो प्रकार का होता है, एक तो एट्रीब्यूट गेज होता है, दूसरा वेरिएबल होता है, ठीक है जी। तो हम एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, गेज के थ्रू हम पार्ट को चेक करते हैं, गेजिंग करते हैं। तो गेजिंग में हम ये देखते हैं कि पार्ट जो है हमारा फंक्शनली फिट है कि नहीं है, गेज हमारा ये बताता है, तो उसको गेजिंग करते हैं कि पार्ट को हमने जैसे डाला और उसको देखा कि वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कहीं ऑपरेशन मिस है कि नहीं है, वो सारा चीज हम किसमें देखते हैं, गेज में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इंस्पेक्शन पर दो ही काम हो रहा है, एक तो गेजिंग और दूसरा विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन एक पुराना मेथड है और बहुत बेहतरीन मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने नेक्ड आई से, खुली हुई आंखों से हम पार्ट की नॉर्मलिटीज को चेक करते हैं, उसमें डिफेक्ट को चेक करते हैं, क्रैक देखते हैं, डेंट देखते हैं, स्क्रैच देखते हैं, ब्लो होल देखते हैं। तो ये सारा जो हमें आंख से दिखता है वो सारा डिफेक्ट होता है। तो हमारा दो ही काम है, अगर दो काम हम अगर अच्छे से नहीं कर रहे तो फिर हमारे करने का क्या मतलब है ना जी, दो ही काम है या ना। तो इसमें भी हम अगर एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर हमारा काम करने का क्या मतलब हुआ, गेजिंग करना है, प्रॉपर गेजिंग करना है और दूसरा विजुअल करना है। तो क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर ये चीजें हैं। क्वालिटी अगर हम बात करें क्वालिटी प्रोसेस की, तो क्वालिटी का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, यही होता है ना जी कि मटेरियल आया, एक तो रिसीविंग हुआ, दूसरा जब प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसमें प्रोसेस को देखना, और तीसरा होता है फाइनल इंस्पेक्शन पर आना। तो फाइनल इंस्पेक्शन पर पार्ट हमारे हैंड पर आ रहा है, हमारा काम है कस्टमर को डिलाइट रखना थ्रू फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन के स्टेज पर हमें बड़ी सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है कहीं रुकने वाला नहीं है, हमारे हैंड के बाद सीधे कस्टमर के पास जाएगा। जैसे मैं एक बार बार आपको कहानी करता हूँ कि पहले का एक समय था ना, जब हमारा ग्राहक जो था, कस्टमर जो था, भगवान होता था। कोई हमसे गलती हो जाए ना तो उसको माफ करने का कहता है, ठीक है जी आप सुधार लो, कोई बात नहीं, आगे से आप बेहतर काम करके दे देना, ठीक है ये लॉट आप वो कर लो, रख लो, चाहे वापस मैं कर देता हूँ। लेकिन अभी का जो समय है बहुत बुरा है, कस्टमर काफी अवेयर हो गया है, अब सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, अब होता है कस्टमर डिलाइट। कस्टमर को कैसे डिलाइट रखना है, ये मेथड आ गया है। कस्टमर क्या हो गया आजकल, रूथलेस हो गया है। रूथलेस कौन होता है, किंग होता है, राजा जो होता है एक क्रूर होता है, ठीक है। पहले कस्टमर को हम भगवान मानते थे, भगवान है वो माफ कर देता था, दया कर देता था, लेकिन आज के डेट में कस्टमर हमें माफ नहीं करता है, हमारे बिजनेस को छीन लेता है, कहता है भैया तू गलत काम कर रहा है, तेरे बस का नहीं है, तू हमें डिफेक्ट दे रहा है, अवगुण दे रहा है, तेरे काम करने का तुझे तौर तरीका नहीं है, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक काम करो मैं अपने बिजनेस को छीन रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो आज के जो कस्टमर है वो किंग है, रूथलेस है, उसको क्या चाहिए, राइट क्वांटिटी चाहिए, राइट क्वालिटी चाहिए, ठीक है, राइट टाइम पर डिलीवरी चाहिए, राइट उसको हर चीज राइट पर चाहिए। तो ये सारा चीज है, उसको आपको मेंटेन करना है। और एक चीज और कहूंगा, जो भी आपके साथ नए साथी अगर आ रहे हैं तो देखिए उसको साथ लेकर चलना है। मैं एक बहुत सारे मैं गैपिंग देखता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं 5 बजे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने के लिए किसी को वो नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन आप तो दोगे ना कि हाँ जी हमारे पास ये सिचुएशन है, ये दिक्कत है, जा रहे हैं, काम जब करने आए हो तो करना पड़ेगा। घर से बाहर निकल गए तो तकलीफें हजारों हैं, घर से आपकी कदम निकल गई ना तो ये मत सोचो कि हम कंफर्ट जोन में, आप समझ लो कि मैं आग का गोला कभी मेरे ऊपर बरस सकती है, नीचे कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो सेफ लाइफ ऑन रोड, ठीक है। तो ये चीजें कोई आता है उसको प्रॉपर कोऑपरेट कीजिए, मदद कीजिए, उसको समझाइए तरीका से, मेहनत करने का उसका आदत बनाइए, क्योंकि अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे। आज मेरी उम्र 41 की है, मैं सोचता हूँ कि आपके एज में मुझे और मेहनत करना चाहिए, आज मुझे रिलाइज होता है, क्योंकि मेहनत करने से आदमी मरता नहीं है, मेहनत करने से आदमी निखरता है, ये संकल्प हट गया, कुछ भी नहीं होता, मानसिकता सिर्फ माइंड सेट क्या है,
एक दशरथ मांझी जो गायकार थे आपको पता ही होगा, अपनी पत्नी के प्रसव पीड़ा में वो उसकी मौत हो जाती है, रास्ता नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने करीब 40 फीट की या 22 फीट चौड़ाई की लंबाई चौड़ाई की उन्होंने पहाड़ खोद दिया था 20-22 सालों में अकेला। लोग कहते हैं चढ़ना अकेला भार नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया। तो मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता, और उल्टा इंसान जो है अपने नाम को खड़ा करता है, अपनी पहचान को बनाता है, क्योंकि हर आदमी अपने काम से पहचाना जाता है। इट इज वेरी ट्रू, एवरीवन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज वर्क। वो कैसा काम करता है, थ्रू योर वर्क आपकी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये रहे कि मुझे अच्छा काम करना है, कस्टमर को कोई डिफेक्ट चीज नहीं देना है, और मेहनत करने से कुछ नहीं होता, संघर्ष में जो टिकता है वही इतिहास लिखता है। सिंपल सी बात है, आप मेहनत करके खुद अंदर से खुश रहोगे, रात को खा के सोगे ना वो शरीर पर लगेगा। मेहनत करो, सीखने की कोशिश करो, कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो कुछ भी नहीं आता है आप डायरी बनाओ, घर पर बनाओ, यहाँ बना लो, ये चीजें मुझे पूछना है कि सीट मेटल में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है जी, सीट मेटल में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज सीखना है यहाँ पे, सीख कर जाना, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक है, बड़ा रूप है, तो उस पर काम क्या क्या हो रहा है, अगर ये डेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्रैक हुआ तो क्यों क्रैक हुआ, इसके पीछे जाना है, रीजन को ढूंढना है, सिर्फ आना है ड्यूटी करके घर जाना है, उससे कुछ नहीं होगा, फिर तो आप स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी मन की आपकी। इसीलिए दो चीजें याद रखिए आप, कि हमें डट के मेहनत करना है, ठीक है, और हमें बेहतर काम करना है, सभी को लेकर चलना है, जो हमारे साथ भी आने वाला है उसको भी हेल्प करना है, उसको भी बताना है। जब आप कुछ जानोगे समझोगे तभी तो अपने एसोसिएट्स को आने वाले लड़कों को मदद करोगे, करोगे ना जी, नहीं जानोगे तो कैसे मदद करोगे। कभी कभी देखता हूँ कि आपको विजुअल करने से कोई भी घबरा जाता है, कहता है ये पार्ट क्रिटिकल है, कोई चीज क्रिटिकल नहीं है, दुनिया में कोई चीज क्रिटिकल नहीं है, बस आप करना चाहो तो हर चीज कर लोगे, सीखने का कोशिश करो, दो चार पांच दिनों में जैसे आपको अभ्यास हो जाओगे वो चीज के लिए, तो काम आप बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे, हो जाता है हर चीज को ना। एक मैं आपको क्या कह रहा हूं, एवरीथिंग इज गेम ऑफ माइंड, आप चाहे राइट को पहाड़ बना दो या पहाड़ को राइट बना दो, डिपेंड ऑन योर माइंड, एवरीथिंग गेम ऑफ माइंड, सिर्फ माइंड का खेल है, कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं कि दुनिया का संसार का जितने भी चीज आज आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग का खेल है। आज जितने अच्छे अच्छे किताब से हैं, टेक्नोलॉजी है, गाड़ी घोड़े जो भी कुछ है, बिकॉज ऑफ योर माइंड, यहां से आया है, बाहर से कुछ भी नहीं आया। तो दिमाग ऐसा है, ये टोटली का टोटली ब्रह्मांड है, जितना इसको मंथन करोगे ना, जितना मंथन करोगे, चर्निंग करोगे, घुमाओगे, तब जाके ये खुलेगा। ह्यूमन माइंड जस्ट लाइक ए पैरासूट, ह्यूमन माइंड जस्ट लाइक ए पैरासूट, तभी काम पैरासूट करता है जब वो खुलता है। घर में अम्ब्रेला होता है ना, छाता, इसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जब लेकर चलोगे, खोलोगे ना, तो आपको धूप से प्रोटेक्ट करेगा, बारिश से प्रोटेक्ट करेगा, और ऊपर की गंदगी, कोई कबूतर ऊपर जीव जंतु जा रहे हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ह्यूमन माइंड जस्ट लाइक ए पैराशूट, तभी काम करता है जब इसको खोला जाता है, लेयर बैठी हुई होती है। तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में आना है, काम को अपने इंजीनियर की मदद से हमें हर चीज को समझना है। नहीं आता एक बार में नहीं बताता, उसे दो बार पूछिए, हमारे क्या रेशियो, कितने परसेंटेज की मटेरियल को हमें रिसीव करना है, क्या क्या अब तक सीट मेटल में डिफेक्ट आ रहे हैं, वो सारा नोट कीजिए, चाहे इंजीनियर से पूछिए, कोई क्रिटिकल पार्ट है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है ये जानिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात है? जब तक आप सीखने की जिज्ञासा नहीं लाई है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो सीखने का प्रयास करता है, नहीं तो एज इट इज वो वहीं का वहीं रहता है। विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वैल्यूज तब इंक्रीज होती है जब वैल्यूज का कुछ चीजें जाती है। देखिए, इंडस्ट्री में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इन प्रोसेस होता है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, यही है ना। तो जब तक आपके पास इनपुट अच्छा लर्निंग का नहीं आएगा,
तब उसको आप मंथन नहीं करोगे तब तक आप बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकते हो। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको समझना होगा। जहां पर आपकी दिक्कत है, परेशानी है, हर किसी के पास है, लेकिन हम मेहनत से भागना नहीं है। मम्मी क्या बोला कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, और सर्विस हमें देना है तो एक्सीलेंट वाला सर्विस देना है, एवरेज वाला नहीं देना है। एवरेज का कोई वैल्यू नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर कहूंगा कि एवरेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपकी पहचान जब तक आप में यूनिकनेस नहीं आएगी, अनोखापन नहीं आएगा, तब तक आपकी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट नहीं होगी। पूरी पकड़ बनाइए जॉब के ऊपर, 10 मिनट 5 मिनट रुक के क्रिटिकल पार्ट के बारे में उसके बारे में जानिए। हर काम को करना है, जहां सीनियर लगाते थे हाँ सर मैं करूंगा, इसकी क्या क्या फीचर है, इस जॉब प्रोडक्ट अवेयरनेस क्या है, आप मुझे बताइए मैं बिल्कुल करूंगा, पीछे नहीं हटना है। ये तो बात गलत बोल दी सर आपने, भाग जाते हैं क्रिटिकल पार्ट से किसी को भाग, देखो जब तक झूठ, देखो मैं आज आपको इसलिए बैठा के बातें बता रहा हूँ कि वो जरूर मुझे समय नहीं मिलता। मेरे पास 4-5 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, उस पर मुझे जाना होता है। जब तक आप बच्चों वाले झुनझुना से खेलते रहोगे ना, तो बच्चे ही रहोगे। आपको क्रिटिकल क्यों होता है, माइनर होता है, मेजर होता है, क्रिटिकल होता है? क्या माइनर ही बने रहना चाहते हो? नहीं ना। क्या बोला कि आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपकी पहचान आपके काम से होती है। तो अगर माइनर काम जीवन भर करोगे तो पहचान क्या रहेगा? माइनर का माइनर ही रहेगा। मेजर करोगे मेजर होगा, क्रिटिकल करोगे तो क्रिटिकल होगा। तो पहचान बनाना आपके ऊपर है। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कैपरी लेवल दिया है, यहाँ पर आपको बेहतरीन ट्रेनिंग मिल रही है, आपके दिमाग को खोला जा रहा है, जो चीज दिक्कत है उसको हम बताने के लिए तैयार है। आप अपना रूटीन सही कीजिए, जो बच्चा आपके पास आता है उसको गाइडलाइन दीजिए। देखिए चल जब निकले हैं साथ में तो साथ चल के हम अच्छा चीज अचीव कर सकते हैं, अकेला कोई कुछ भी नहीं करता, टीम टुगेदर ही एक गोल करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब आप लोग सारा समझ गए हो कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और भी फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो फाइनल इंस्पेक्शन वाले लोग के ऊपर काफी ज्यादा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हमें प्रॉपर ढंग से खेलना है। छोटे मोटे रोल नहीं है, एक अच्छा अद्भुत और बेहतरीन रोल है, उसको सभी को अच्छे तरीके से प्ले करना है। ठीक है जी, तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे 10-5 मिनट दिया, और इन मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपका जीवन भी आपकी आदतों पर है, डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। आपको टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, जो भी बात है इंजीनियर को बताइए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर को बताइए, ठीक है, समस्याएं हर चीज का हल किया जा सकता है। ठीक है जी, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके। और ये एक चीज, कोई भी अगर